स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स में चैप्टर नंबर सेकंड न्यूमरेशन पढ़ेंगे। न्यूमरेशन मीन्स आपको इसमें देखेंगे वन डिजिट, टू डिजिट, थ्री डिजिट, फोर डिजिट, फाइव डिजिट, सिक्स डिजिट एंड सेवन डिजिट नंबर्स के बारे में आपको बताया है। क्लियर? अब वन डिजिट नंबर में देख लेंगे आप, स्मॉलेस्ट नंबर आपका वन डिजिट कौन सा हो जाएगा? वन। एंड इसमें हाईएस्ट हो जाएगा आपका नाइन। क्लियर? ऐसे ही सेकेंड डिजिट स्मॉलेस्ट आपका हो जाएगा टेन एंड ग्रेटेस्ट हो जाएगा आपका 99। थ्री डिजिट में आपका स्मॉलेस्ट 100 एंड ग्रेटेस्ट 999। क्लियर? ऐसे इसमें आपको प्लेस वैल्यू के बारे में बताया है आगे, और इसमें आपको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट जो आपको बताया प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, जो कि होता है वंस, टेंस, हंड्रेड, वन थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड मीन्स वन लैख, वन मिलियन मीन्स टेन लैख, एंड टेन मिलियन मीन्स वन करोड़, एंड हंड्रेड मिलियन मीन्स हंड्रेड करोड़। क्लियर? ऐसे आप ये टेबल रीड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट आपको कंपैरिजन भी बताया हुआ है इंटरनेशनल एंड इंडियन सिस्टम जो है न्यूमरेशन का, वो आपको बताया है। क्लियर? जैसे कि इंटरनेशनल सिस्टम एंड इंडियन सिस्टम में मेन डिफरेंस क्या रहता है, जैसे कि आपको एक नंबर दिया हुआ है 12,34,567। क्लियर? अब इसे इंटरनेशनल सिस्टम के थ्रू कैसे लिख सकते हैं? वन मिलियन मीन्स होता है टेन लैख, टू हंड्रेड मीन्स आपका हो जाएगा जो आपको इसमें दिया हुआ है 12,34,567। क्लियर? 1,234,567। क्लियर? अब इसे इंडियन सिस्टम में क्लियरली लिख सकते हैं 12,34,567। बट इंटरनेशनल में आपको क्या होगा, मिलियन, टेन मिलियन, इसके अकॉर्डिंग आपको राइट करना रहता है। तो आप ये रीड आउट कर लेंगे। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर फोर। इसमें आपको पीरियड्स और कॉमास भी दिए हैं जो आपको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लगाना रहता है नंबर्स में। क्लियर? एक्सरसाइज नंबर फोर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है राइट द नेक्स्ट फोर नंबर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मीन्स आपको जो नंबर दिए हुए इसके आने वाले फोर नंबर्स आपको रोट डाउन करना है। फर्स्ट आपको दिया है 6,82,534। इनके आने वाले फोर नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे? 6,82,535, 6,82,536, 6,82,537 एंड लास्ट 6,82,538। क्लियर? ऐसे आपने आगे वाले नंबर्स आपको लिख लेना है। अब नेक्स्ट आपको इसमें दिया है 25,14,586। मीन्स इसके आने वाले जो आप फोर नंबर से वो करना है, प्लस वन आप करते जाएंगे तो आपको आगे की जो डिजिट है वो आपको मिलती जाएगी। क्लियर? ये हो जाएगा 25,14,587। नेक्स्ट डिजिट आपका हो जाएगा 25,14,588। नेक्स्ट 25,14,589 एंड लास्ट 25,14,589।
आपके वही नेक्स्ट फोर डिजिट्स की है, ऐसे आप रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लोकेट द पैटर्न केयरफुली एंड राइट द नेक्स्ट फोर नंबर्स। क्लियर है, आपके पैटर्न के थ्रू अकॉर्डिंग नंबर्स दिए हुए हैं, इनको आपको अरेंज करके लिखना है। अब इसमें आप फर्स्ट पैटर्न देखेंगे, इसमें प्लस वन डिजिट हो रहा है, 387 था, 388 फिर 389। जैसे आपने इसमें प्लस वन करके लिखा, इसी पैटर्न पर आपको ये करना है। अब इसमें नेक्स्ट पैटर्न आप देखिए, इसमें प्लस 100 हो रहा है, तो आपको 100 प्लस करके लिखते जाना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेंगे, काउंटिंग बाय फाइव्स राइट द नेक्स्ट फोर नंबर्स। क्लियर, मींस काउंटिंग मींस आगे फाइव काउंट कर करके आपको नंबर्स लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, 89,68,502। आगे फाइव काउंट करना है, मींस प्लस फाइव होता जाएगा। क्लियर, फोर नंबर्स आपको लिखना है, 89,68,507। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 89,68,512। नेक्स्ट हो जाएगा 89,68,517। एंड लास्ट हो जाएगा 89,68,522। क्लियर, ऐसे ही आपको प्लस फाइव करके जो रिमेनिंग क्वेश्चन में आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको काउंटिंग बाय ट्वेल्व करना है। क्लियर, इसमें आप ट्वेल्व काउंट कर लेंगे, प्लस ट्वेल्व आप करते जाएंगे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इसमें आपको 1500 प्लस करते हुए नेक्स्ट आपको फोर नंबर लिखना है, जो कि आपको फर्स्ट नंबर दिया है। क्लियर, इसमें आपको दिया हुआ है 8,43,47,421, जिसमें आपको 1500 के आगे आपको करते चलना है। क्लियर, तो इसमें आप क्या कर लेंगे, 1500 प्लस कर लेंगे। क्लियर, तो नेक्स्ट आपका हो गया 8,43,48,921। फिर नेक्स्ट जो नंबर आपको लाना रहेगा, उसमें आप फिर से 1500 प्लस कर देंगे। नेक्स्ट आपका आ गया 8,43,50,421। फिर नेक्स्ट आपको लेके आना है 1500 प्लस कर दीजिए। कॉल हुआ है राइट नाइन डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर एंड आल्सो राइट इट्स प्रेडिसेसर। क्लियर, तो नाइन डिजिट स्मॉलेस्ट आपका हो जाएगा 4, 5, 6, 7, 8 and also its successor means बढ़ता हुआ क्रम। 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा, 9,99,999। क्लियर, एंड इट्स सक्सेसर मींस हो जाएगा 10,00,000। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 8, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट्स। स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर आपका हो जाएगा 4, 5, 6, 7। क्लियर, ये आपका हो जाएगा 1,00,000। एंड इट्स ग्रेटेस्ट हो जाएगा आपका 9,99,99,999। क्लियर, अब ऐसे ही सेकंड में आपको दिया 4 डिजिट्स का। क्लियर, 4 डिजिट्स का आपको स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर आपको बताना है। 4 डिजिट है आपका 1000 एंड ग्रेटेस्ट हो जाएगा 9,999। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे। फर्स्ट है आपका, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन नंबर 97,45,136। देख लेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड।
5000 आपका प्लेस वैल्यू हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका बी, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन नंबर 8,97,65,421। क्लियर। क्या है आपका नंबर 8,97,65,421। क्लियर। आप फिगर्स में लिखेंगे जो कि क्या आ जाएगा आपका 6,12,60,819। क्लियर। इस तरीके से लिख लेंगे। अब इसी में आपको सेकंड दिया हुआ है 49 लाख। क्लियर। अब इसे आप चेक कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं। 1,10,100,000,1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 0,
correct. Put commas in the proper place to show the Indian periods, also write them in words. Clear? जो इंडियन पीरियड्स के अकॉर्डिंग आपको डिजिट दिए उनको आपको कॉमास के अकॉर्डिंग इंडिकेट करना है. क्लियर? जिसमें आपको फर्स्ट दिया हुआ है 18,76,21,212. क्लियर? क्या दिया है आपको 18,76,21,212. क्लियर? इनमें आपको कॉमास इंडिकेट करना है इंडियन पीरियड्स के अकॉर्डिंग, जो कि 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 1,10,000, 10,000. क्लियर? ऐसे आपको कॉमास पुट करना है. ऐसे अब सेकंड देख लेंगे आप जो है. क्लियर? ये आपका 41,65,643. 1, 10, 100 के आगे कॉमा, 1,000, 10,000 एंड फिर 1,10,000. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 में भी आपको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग जो आपकी प्लेस वैल्यू मैंने एग्जांपल में आपको बताया हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो 1, 10, 100 की आप टेबल बना के आप इनको इंडिकेट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 14 राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स. वर्ड्स में आपको दिए हुए इनको आपको फिगर्स यानी वर्ड्स में दिए हुए आपको डिजिट्स में करना है. क्लियर? 15th में भी आपको कॉमास शो करना है. बस डिफरेंस ये था इंडियन वैल्यू में 1,10,000 था एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में आपको मिलियन, 1,000,000, 10,000,000 के अकॉर्डिंग आपको करना है. जो आपका 16 नंबर क्वेश्चन है वो क्रॉस कर दीजिए, वो नहीं करना है. क्लियर? इसके साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर 4 कंप्लीट होती है. जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है और आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं. ओके.